हमको मन की ममता को मारना थोड़ी है, ममता मर गई फिर ये मन प्रभु के काम का ही नहीं रहेगा। हे प्रभु ये ममता आप में हो जाए, मेरी ममता आप में हो, और ममता के प्रभु में होते ही अहमता भी शुद्ध हो जाती है। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कबीर कहते हैं ना, साहेब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दो, जैसे काग जहाज को। क्या अर्थ है इसका? जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है ना, कुछ पंछी रह जाते हैं उस पर, फिर वो पंछी कितना भी दूर तक क्यों ना उड़ जाएं, लेकिन उनको ठौर तो वापस जहाज पर ही आकर मिलती है ना, क्योंकि वहां तो दूर दूर तक कोई और ठिकाना ही नहीं है। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर, तुम लग मेरी दौर। जब ममता होती है ना तो लगता है कि भाई हमारे बिना कैसे इनका कार्य चलेगा, है ना। माँ को लगता है कि मेरे बिना बालक का क्या होगा, इसके मूल में क्या है, इसके मूल में कुछ सत्य है ना, सत्य नहीं है। जीव का पोषण करने वाले तो विश्वंभर हैं, विश्वनाथ हैं, वो करते हैं, पर माँ की ममता माँ को ऐसा दर्शन कराती है, ऐसा अनुभव कराती है। ऐसे जब भक्त की ममता हो जाती है भगवान में, तो भक्त को लगता है भाई हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो वो ध्यान से इसको सुनना समझना, एक समय भोग ना लगे तो भक्त कितना व्याकुल हो जाता है, सेवक को कितनी व्याकुलता होती है कि अब ठाकुर जी भूखे हैं। ये क्या है, वो जो ममता है ना अपने इष्ट में, अपने आराध्य में ममता है, वो ऐसा अनुभव कराती है, ममता से ऐसा अनुभव होता है। सेवा में जितना भी रस है वो अपने इष्ट में ममता के कारण है। अगर ममता नहीं है, अपनत्व नहीं है, आत्मीयता नहीं है, फिर सेवा तो एक क्रिया जैसी होगी, उसमें कोई रस कोई सुख नहीं होगा। आप में से जिन जिन बड़भागी जनों ने श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है, श्रीनाथ जी का अगर आपने दर्शन किया हो, तो आप देखो कितने लाड़ और दुलार से, मंगला से शयन पर्यंत, कितने लाड़ और दुलार से श्री जी बाबा की एक एक सेवा संपन्न कराई जाती है। उसके मूल में क्या है, उसके मूल में ममता है, अपने प्रभु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में ममता है। कहना जैसे माँ की ममता माँ को अनुभव कराती कि मेरे बिना बालक का क्या होगा, जबकि भाई जिसने जीवन दिया है वही पोषण भी करता है, वही रक्षण भी करता है, वही तो संभालता है, पर माँ की ममता माँ को ऐसा अनुभव कराती है। ऐसी जब भक्त की ममता हो जाती है तो लगता है भाई कि हम सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है ये नहीं लग रहा, ये सब दर्शन ये सब अनुभव कौन कराता है, ये सब अपने इष्ट में ममता कराती है। ममता हो जाए, ये हमारे हैं। यहां गोपी यही कह रही है कि और विलंब मत करिए, ऐसा नहीं है कि आपके बिना हम ही दुखी हो रही हैं, हम जानती हैं आप भी हमारे बिना दुखी होंगे। और कभी कभी तो गोपी भूल ही जाती है कि ये कौन है, गोपी को वस्तुतः यही अनुभव होता है कि हमारे बिना श्याम सुंदर कितने दुखी होंगे, हमारे बिना श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा, ये अनुभव कौन कराता है, ये मन की ममता कराती है। ममता प्रभु में हो जाए,